दोस्तों आज हम बनाने जा रहे हैं चने की भाजी। अभी चने की भाजी काट लेते हैं, फिर कैसे बनाते हैं ये आपको दिखाएंगे। ये चने की भाजी को ऐसे पावसी से बारीक बारीक काटना पड़ता है, उसके बाद में इसको बनाते हैं। चक्कू से काटते नहीं बनता, इसके लिए पावसी का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अभी हम ये चने की भाजी में मूंग की दाल डाल दिए आधी कटोरी। अभी ये खौल रहा है, जैसी मूंग की दाल पक जाएगी वैसी इस पे हम चने की भाजी डाल देंगे। दोस्तों मूंग की दाल पक चुकी है, अब हम इसमें डालेंगे चने की भाजी। ये ऐसा कहकर इसको दबा के देखना पड़ता है, आधी कच्ची आधी पक्की रहनी चाहिए। ये अभी आधी पक चुकी है, अब इसमें हम डालते हैं चने की भाजी। चने की भाजी डालने के बाद में इसको अच्छे से मिला लेंगे। देखिए दोस्तों कितनी प्यारी लग रही है। अभी पूरी तरह से पकने की है, अभी इसको हम पकने दें। इसमें हम नमक डाल देते हैं और इधर में हम पानी गर्म कर लेते हैं। चने की भाजी में थोड़ा सा पानी डालेंगे। दोस्तों अभी पानी गर्म हो चुका है, अभी हम ये चने की भाजी में इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। दोस्तों एक कटोरी हमने आटा लिए हैं और दो छोटे चम्मच हमने बेसन लिए हैं। अब इसको हम घोल लेते हैं। दोस्तों इसको अच्छे से घोलना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और ये आलन को हमने चने की भाजी में डाल देना है, ठीक है। दोस्तों देखिए चने की भाजी पक चुकी है, ये ऐसा हमने दबा के देख लिए हैं। दोस्तों अभी इस बैटर को हम इस चने की भाजी में डाल देते हैं और चम्मच को चलाते रहेंगे। आटे का घोल डालने के बाद इस तरह की भाजी बननी चाहिए। अभी ये भाजी पूरी तरह से बनकर तैयार है, अब हम इसमें तड़का लगा लेते हैं। गंजी रख दिए हमने। इसमें हम सरसों का तेल डाल देंगे। कम से कम एक बड़ा चम्मच हमने तेल डाले हैं। हम लहसुन डाल देते हैं इसमें। ये देखिए इतनी लहसुन लिए हैं, अब हम इसमें तड़का लगा रहे हैं। ये देखिए लहसुन डाल दिए। लहसुन पक रही है, लहसुन को लाल होने देंगे अच्छे से। इसके बाद में हमने लहसुन लाल हो गई है, इसके बाद हमने मिर्ची डाल देना है। चने की भाजी में हमने तड़के को डाल दिए हैं और ऐसे मिला देते हैं। चने की भाजी को ढकते नहीं है दोस्तों, इसको ऐसे ही थोड़ी देर खुला रहने देंगे, उसके बाद में ढकेंगे। चने की भाजी आप लोग कैसे बनाते हैं हमें कमेंट्स के जरिए बताइए, और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो दोस्तों बाय बाय।